नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम्स के लिए राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के 20 सेलेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे। ये 20 क्वेश्चन किन्हीं न किन्हीं एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको सारे के सारे सेल्फ अटेम्प्ट करने हैं और अपनी तैयारी को परखना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। करंट अफेयर के काफ़ी अधिक वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। अब से केवल एक मंथ बचा है फर्स्ट ग्रेड एग्जाम को होने को, तो आप अपनी तैयारी अच्छे से रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंद्रा की पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो मुकुंद्रा की पहाड़ियाँ स्थित हैं हाड़ौती भौतिक प्रदेश में, हाड़ौती पठार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर है। कॉलेज व्याख्या था 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो मुकुंद्रा की पहाड़ियाँ हैं ये स्थित हैं कोटा और झालावाड़ जिलों में, ये भी आप साथ में ध्यान रखें। नेक्स्ट दे रखा है, सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त व कटीपटी पहाड़ियाँ का स्थानीय नाम है। तो इन कटीपटी और तीव्र ढाल युक्त पहाड़ियों का नाम क्या है? इनका नाम है भाकर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन भी कॉलेज व्याख्या था 2014 में पूछा हुआ है। जो भौतिक प्रदेश है राजस्थान का, एग्जाम में इस टॉपिक से अधिक क्वेश्चन आते हैं, आपको अच्छे से ये तैयार रखना है। आगे चलते हैं। आगे दे रखा है, बोराट का पठार स्थित है, रेट 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये स्थित है कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य। कुंभलगढ़ है राजसमंद, गोगुंदा है उदयपुर में। नेक्स्ट दे रखा है, दक्षिणी पूर्वी पठार के दो भाग हैं। तो दक्षिणी पूर्वी पठार के दो भाग कौन कौन से हैं? ये है विंध्यन का पठार व दखन का पठार। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर है, इंपॉर्टेंट है ये, आप ध्यान रखें। आगे चलते हैं फिर। यहाँ पर अवरोही क्रम बताना है इन चोटियों का ऊंचाई के अनुसार। ठीक है, सारी की सारी अरावली की चोटियाँ हैं। इसके रिलेटेड मैंने एक ट्रिक वाला वीडियो बनाया है, उसमें जितनी भी अरावली की चोटियां हैं वो मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराई है। ये क्वेश्चन पटवारी 2015 में पूछा हुआ है। वीडियो को पॉज करें, आप इसका आंसर जरूर बताएं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो इस प्रकार होगा, सबसे ऊंची है चोटी टॉडगढ़, फिर खो, फिर बिलाली, फिर है रोजाभाकर। ये आप ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को विजिट करें, प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट का नाम है जीके ट्रिक्स। ठीक है, जीके ट्रिक्स में वो वीडियो प्रोवाइडेड है, आपको सारी की सारी चोटियाँ आसानी से याद हो जाएगी। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। आगे दे रखा है, उपरमाल का पठार किस पठार में मिल जाता है? तो उपरमाल का पठार ये मिल जाता है मालवा के पठार में। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट दे रखा है, राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया। तो किन्होंने किया था? ये किया था ए एम हेरोन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। अरावली पर्वत प्रकार के हैं, किस प्रकार के हैं? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अरावली पर्वत एक प्रकार का अवशिष्ट पर्वत है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग है कितना है? ये है 175,000 वर्ग किलोमीटर, जो कि राजस्थान के लगभग 61% क्षेत्र पर विस्तृत है। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। आगे दे रखा है, छप्पन का मैदान किन जिलों के बीच स्थित है छप्पन का मैदान? तो ये स्थित है बाप क्षेत्र में। बा से होगा बांसवाड़ा, प से होगा प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ये आप ध्यान रखें। आगे दे रखा है, राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदान के क्षेत्र में बालू का स्तूप पाए जाते हैं कितने प्रतिशत? तो बालू का स्तूप पाए जाते हैं लगभग 60%। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही है 60%। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। अगर एग्जैक्ट की बात करें कि बालू का स्तूप कितने पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं 58.5%। ठीक है, जो पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान है उसमें। ठीक है, ये आप ध्यान रखें, जितना भी क्षेत्रफल है पश्चिमी रेतीले मैदान का, उसमें से 58.5% पर है बालू का स्तूप और 41.5% जो क्षेत्र है वो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है, ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने वाला दर्रा नहीं है? अरनिया यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। बाकी जो सोमेश्वर, हाथीगुड़ा और देसूरी है, ये तीनों के तीनों दर्रे दक्षिणी अरावली को पार करने वाले दर्रे हैं। पटवारी 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, राजस्थान में वृहत सीमांत भ्रंश फैला है किन पहाड़ियों के सहारे? तो ये फैला है
बूंदी व सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के सहारे। RSP 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए। वृहत सीमांत भ्रंश बूंदी और सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के सहारे फैला हुआ है। आगे दे रखा है जिला और अरावली के सीकर, तो देखते हैं सिरोही में स्थित हैं शेर। शेर अरावली की सेकेंड सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है शेर, पहली कौन सी है, पहली है गुरुशिखर। शेर की ऊंचाई कितनी है, शेर की ऊंचाई है 1597 मीटर, ये आप ध्यान रखें। फिर है सिकर, सिकर में स्थित है रघुनाथगढ़। जयपुर में है जयगढ़, उदयपुर में है जरगा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, फर्स्ट का हो रहा है सेकेंड, फर्स्ट का सेकेंड यहाँ पर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। फिर आगे चलते हैं, आगे दे रखा है कथन और कारण। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में एक जल विभाजक है। कारण दे रखा है अरावली पर्वत श्रृंखला मरुस्थलीकरण को सीमित करती है। ये क्वेश्चन RSP 2013 में पूछा गया था। तो यहाँ पर जो कथन और कारण है ये दोनों के दोनों सही है, दोनों सही हैं, लेकिन जो कारण है, कारण आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ये आप ध्यान रखिए। आगे चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2013 में पूछा गया था। राजस्थान के धरातली स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। फर्स्ट दे रखा है अरावली पर्वत विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है। सेकंड दे रखा है उत्तरी पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित है। थर्ड दे रखा है पश्चिमी बालू का मैदान 33 सागर का अवशेष रूप है। फोर्थ दे रखा है दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तृत भाग है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, सेकेंड नंबर ऑप्शन। जो राजस्थान का उत्तरी पूर्वी मैदान है वो सिंधु नदी द्वारा निर्मित नहीं है। नेक्स्ट दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है। तो अरावली का उच्चतम शिखर कौन सा है, ये है कुंभलगढ़। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है, वैसे तो अरावली का उच्चतम शिखर है गुरुशिखर, लेकिन ऑप्शन में नहीं दे रखा है गुरुशिखर, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है। जो ट्रिक वाला मैंने वीडियो बनाया है वहाँ पर अगर आप वो देखते हैं, ट्रिक आप ध्यान में रखते हैं तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं। ट्रिक इस प्रकार है, गुरु से दिल से जरा आस, कुंभा रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर, खो में सात बोली रोज बोले, इस प्रकार है। तो ये लीलागढ़ इसकी ऊंचाई और भी कम है, तो आप आसानी से लगा सकते हैं। जैसे ये कुंभा आया तो कुंभा से होगा कुंभलगढ़, कुंभा रघुनाथ ऋषि का सज्जन, सज्जन से होगा सज्जनगढ़, सज्जन मोर, खो में सात, सात त से होगा तारागढ़। तो यहाँ पर जो सर्वोच्च चोटी है ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो है कुंभलगढ़। आगे चलते हैं, आगे दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण का नहीं है। अतिचारण, वनोन्मूलन, शहरीकरण या फिर अनुचित मृदा और जल प्रबंधन। ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट आंसर होगा, ये राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। आगे दे रखा है पश्चिमी भाग में पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के लगभग कितने जितने क्षेत्र को घेरे हैं वह हैं। तो ये कितने क्षेत्र को घेरे हुए हैं, 60% से अधिक, 61%, मैंने आपको यह आगे भी बताया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। जब भी आप अपने नोट्स पढ़ते होंगे राजस्थान ज्योग्राफी के, सबसे स्टार्टिंग में आपको आपके नोट्स में लिखा होगा ये, तो आपको कंटेस्टली ध्यान में होना चाहिए। इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लैब असिस्टेंट 2019 में पूछा गया था। आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। मैं आपको राजस्थान का जो देशांतरी विस्तार है वो बता देता हूँ। राजस्थान का देशांतरी विस्तार है 69° 30' पूर्वी देशांतर से, 78° 17' पूर्वी देशांतर। ये राजस्थान का देशांतरी विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार क्या है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर जरूर लिखें। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो। वीडियो आपको कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को विजिट करें। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए मैंने 3 प्लेलिस्ट बना रखी है, करंट अफेयर की, हिस्ट्री की और सारी वीडियो की। आप अपने जो जिस टॉपिक की आपको तैयारी करनी है उसके अनुसार वीडियो देख सकते हैं। अपनी तैयारी रखिए, 1 मंथ अभी बचा है, तो आपको अपनी स्टडी किस प्रकार करनी है कि आप हर टॉपिक कवर कर सकें। अधिक से अधिक वीडियो देखें तो आपके काफ़ी अधिक टॉपिक कवर हो जाएंगे।
अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।